हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम कैलोरीमेट्री टॉपिक से है। एक कॉपर का बॉल है अपने पास, इसका मास 100 ग्राम से, टेम्परेचर टी दे दिया है, उसको एक कैलोरीमीटर में रख दिया, वो भी कॉपर का ही है। आप ध्यान दो, कॉपर का बॉल 100 ग्राम का है, उसको फिर से कॉपर कैलोरीमीटर में रखा है और उसका मास भी कोइंसिडेंटली सेम है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। उस कैलोरीमीटर के अंदर 170 ग्राम वाटर भी है और ये चीजें रूम टेम्परेचर पर है, बस जो आपका बॉल है वो इनिशियली टेम्परेचर टी पर, ठीक है। रूम टेम्परेचर 30 है और स्पेसिफिक हीट भी दे रखी है। आपको बताना है कॉपर बॉल के पास रहने वाला इनिशियल टेम्परेचर कितना है, तो देखते हैं। एक एग्जांपल के फॉर्म में कैलोरीमीटर को अज्यूम कर लो, एक कॉपर का बॉल है आपके पास, इनिशियली टेम्परेचर कितना हो गया उसके पास टी, जब उसको उसके अंदर सिंक इन करा दिया तो क्या होगा बच्चों, हीट वगैरह ये रिलीज करना शुरू कर देगा बिकॉज का टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा और इन दोनों का टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर है विच इज गिवन टू यू एज 30 डिग्री और इसका टेम्परेचर इनिशियल कितना है बच्चों टी है। तो आपको पता होता है कि कैलोरीमीटर का जो प्रिंसिपल है वो कितना ईजी है, लिखेंगे हम सीधा सीधा हीट लॉस बराबर किसके हो जाएगा, ये हीट गेन के, ठीक है। और क्वेश्चन का फ्लो के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है कि हीट लॉस करने वाला कौन है, कॉपर का बॉल है, और हीट गेन कौन कर रहा है, यहाँ वाटर भी गेन कर रहा है और कैलोरीमीटर भी गेन कर रहा है। मैं नीचे लिख देता हूँ, वाटर भी है अपने पास और साथ ही साथ यहाँ पर कैलोरीमीटर भी है, ठीक है। बस इक्वेशन लिखने की देरी है अपने पास और ये चीजें आसान है। हीट लॉस बराबर हीट गेन, हीट लॉस हीट का एक सीधा सीधा इक्वेशन होता है, अगर अपने को स्पेसिफिक हीट दे रखा है तो हमें याद होता है ये एम एस डेल्टा टी करते हैं, बस टी यहाँ पे चेंज लेना है और पॉजिटिव में ले लेना है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ लॉस ऑलरेडी यूज कर रखा है। बॉल की बातें करते हैं तो ये हो जाएगा एम एस डेल्टा टी और यहाँ पर दो लोगों के बारे में लिखना है, एक बार तो वाटर के लिए और एक बार कैलोरीमीटर के लिए, यही बस कंसेप्ट में रखना है। तो मैं यहाँ दो बार लिख देता हूँ एम एस डेल्टा टी प्लस एक बार और लिख देते हैं इसको एम एस डेल्टा टी, डोंट गेट कंफ्यूज, ये चीज बॉल के लिए लिखी गई है, ये वाटर का है और ये कैलोरीमीटर का है। वैल्यूज रखोगे तो क्या मिलेगा, बॉल का मास हो गया तुम्हारे पास 100 ग्राम्स में, रहने दो आगे तक कट जाएगा ये, और स्पेसिफिक हीट बॉल का दैट इज कॉपर का ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, कितना होना चाहिए इनिशियली क्या है टेम्परेचर टी है और बाद में सेटलमेंट होने के बाद कितना आ रहा है 75 आ रहा है, इसको आप लिख लोगे टी माइनस 75। वाटर की बात करेंगे तो आ रहा है यहाँ पे 170, वाटर का स्पेसिफिक 1 होता है, हमें याद है ये चीजें, और डेल्टा डी कितना आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो कि इनिशियल टेम्परेचर तो वाटर का कितना होगा 30 और बाद में बढ़ के कितना हो गया 45 75, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे 75 माइनस ऑफ 30 प्लस, मैं बात करूंगा कैलोरीमीटर की तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 एंड अगेन दिस शुड बी 75 माइनस ऑफ 30, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसको हटाओगे तो यहाँ पे मिल रहा है अपन को 10t माइनस ऑफ 750 और इसके हिसाब से करोगे तो आ रहा है बच्चों अपने पास 45 में बाहर निकाल लेता हूं तो ये हो जाएगा 170 प्लस, इन चीजों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप लोग को एक 10 का टर्म मिल जाएगा जो दिख रहा है अपन को 9 × 5 और ये हो जाएगा 180, इसको लिख लेते हैं 9 × 20, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 10t माइनस ऑफ 750, ये हो जाएगा 18 और ये एंड ये हो रहा है बच्चों 8100, तो हो रहा है 10t इज इक्वल्स टू 8850 और आप कह सकते हो ये जो कॉपर के बॉल का इनिशियल टेम्परेचर है वो हो रहा है 885 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अपना ऑप्शन सेकंड सही होगा। क्वेश्चन काफी इजी था, एक कॉपर का बॉल है जो इनिशियली टी टेम्परेचर पर है और उसको बाद में अपन ने इस कैलोरीमीटर में रख दिया है, ऑब्वियसली बात है लूज करेगा ये, ठीक। और एट लास्ट सबका टेम्परेचर कितना हो जा रहा है ये देखो, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि इनिशियल तो 30 है और एट लास्ट 75 पे आके ये इक्विलिब्रियम बना रहा है, तो हीट लॉस बराबर कितना हो जाएगा बच्चों हीट गेन, ओके। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट
and subscribe to our channel.